लेकिन ये घटना बहुत ही सुनियोजित ढंग से और बहुत बेरहमी से हुई है। मैं आप सबको इतनी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि शांति व्यवस्था बनाए रखने में आप सब मदद करें। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा होने तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। होटल में रखा जा रहा है, हम लोग ऐसे होटल में रखा जा रहा है जैसे हमारा कोई मूल्य नहीं है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार अभिनेत्री आकांक्षा दुबे ने बहुत ही बड़ा कदम उठा लिया। जी हाँ, आपको बता दूं कि आकांक्षा दुबे ने फिल्म की शूटिंग करने के लिए वाराणसी आई हुई थी। लगभग उनका फिल्म का शूटिंग 22 मार्च से चल रहा था। तो आपको बता दूं कि आकांक्षा दुबे ने 22 मार्च को रूम लिया था वाराणसी के सारनाथ होटल समुद्रे में, जो कि समुद्रे होटल के रूम नंबर 105 में रहती थी। और उस होटल में आज भोजपुरी इंडस्ट्री के अभिनेत्री आकांक्षा दुबे ने सुसाइड कर लिया। तो जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि आकांक्षा दुबे ने यह सब करने से पहले काफी ज्यादा इमोशनल होकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव आई थी, जो कि आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। तो आप लोग एक वीडियो देखिए। और तो और आपको बता दूं कि एक दो दिन पहले आकांक्षा दुबे ने एक इंटरव्यू वीडियो शूट की थी। तो जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि आकांक्षा दुबे ने उस वीडियो में काफी ज्यादा डिप्रेशन में लग रही थी और उस वीडियो में इंटरव्यू देते टाइम रोती हुई नजर आ रही थी। हीरो हीरोइन को 5-स्टार होटल में रखा जा रहा है, हम लोग ऐसे होटल में रखा जा रहा है जैसे हमारा कोई मूल्य नहीं है। मुझे यूज किया गया, 3 गाने मेरे थे, तीनों गाने में मेन जो हीरोइन है उनकी एंट्री करवा दिया गया और मुझे बोला जाता है कि आप कोरस वाले के साथ डांस करो। मैं पागल हूं, मैं कोरस वाले के साथ डांस करूंगी। तो दोस्तों, इसी को देख भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार जो कि इस टाइम सांसद मनोज तिवारी ने इस मामला पे एक्शन लेने के लिए फुल मूड में आ चुके हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप ये वीडियो देखिए कि सांसद मनोज तिवारी ने उस मामला पे क्या कुछ कहा। लेकिन ये घटना बहुत ही सुनियोजित ढंग से बहुत बेरहमी से हुई है। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा होने तक हम चैन से नहीं बैठेंगे और मेरा पूरा विश्वास है कि पुलिस जल्दी ही इस केस में जो आरोपी हैं उनके घरों की भी तलाशी लेगी, क्योंकि हमें जिस प्रकार की घटना हुई है उससे पूरा विश्वास है कि इसके पीछे, इस बेरहमी के पीछे बड़ी साजिश छुपी हुई है। तो दोस्तों, इस मामला पे आपका क्या राय है? क्या आकांक्षा दुबे ने अपने आप से किया है या किसी ने उन्हें ये सब करने में मजबूर कर दिया था? इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं।